मैं हूं आपका फैकल्टी गणेश सोनने। आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने हाइपरवी स्टडी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रैक्टिकल सिनेरियो की तरफ। सबसे पहले मुझे अपने मशीन के साथ कनेक्ट करना है। देखिए, ये वही मशीन है जिसके ऊपर हमने लास्ट टाइम पे हाइपरवी रोल इंस्टॉल किया था, और हमने एक मशीन भी बनाई थी जिसका हमने नाम रखा था डेमो वीएम। ओके, और इससे रिलेटेड हमने एक टास्क बार पे हमारा आइकॉन भी रखा था, तो इसके ऊपर मुझे क्लिक करना है। देखिए, जब कभी भी आप हाइपरवी सर्वर के साथ कनेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे हाइपरवी मैनेजर नाम का ऑप्शन नजर आएगा। अब यहाँ पे कोई भी सर्वर नजर नहीं आ रहा है, एक्टिव होस्ट नजर नहीं आ रहा है, तो मुझे क्या करना है, उस एक्टिव होस्ट को लगाना है, ऐड करना है। इसके लिए ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा, कनेक्ट टू सर्वर कह सकता हूँ, या फिर आपको ये एक्शन पैनल नजर आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक। अब मेरे सामने दो ऑप्शन पूछ जा रहे हैं, आपको लोकल कंप्यूटर का लेना है या किसी और कंप्यूटर का लेना है। देखा जाए तो मैं जिस कंप्यूटर पे लॉग इन हूँ मैंने उसी के ऊपर हाइपरवी का रोल ऐड किया है, तो मुझे यहाँ पे लोकल कंप्यूटर ही चूज करना है। अगर आपके कंपनी के अंदर और कोई हाइपरवी सर्वर हो तो आपको सिर्फ यहाँ पे उसका नाम देना है। हमारे केस में और कोई हाइपरवी सर्वर या हाइपरवी होस्ट अभी तक नहीं है, इसलिए मैं बाय डिफॉल्ट लोकल पे टिक करूंगा एंड क्लिक टू द ओके। अब जैसे मैंने उसके ऊपर टिक किया तो देखिए, जो मेरा लोकल सर्वर था MUM SRV 01 वो आ चुका है, और ये रही डेमो VM जो हमने लास्ट टाइम बनाई थी। अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे इस पूरे विंडो में आपको कुछ जानकारी नजर आ रही है। सबसे पहले आपका लेफ्ट पैनल, लेफ्ट पैनल में आपके हाइपरवी मैनेजर कौन से एक्टिव होस्ट है उनकी जानकारी। मिडल पोर्शन में आपको वर्चुअल मशीन का नाम नजर आ रहा है, उसका ये स्टेटस फिलहाल वो रनिंग है, CPU यूटिलाइजेशन कितना हुआ है, मेमोरी कितनी चल रही है, असाइन मेमोरी, देन अप टाइम मतलब वो मशीन कितने घंटे से या कितने मिनट से ऑन है उसकी जानकारी। फिलहाल ये मशीन 45 या 48 मिनट से ऑन की गई है, उसका स्टेटस मतलब उसके ऊपर कोई हैवी वर्क हो रहा है या नहीं, एंड अदर इन्फॉर्मेशन। नीचे की तरफ आपको ऑप्शन नजर आया चेक पॉइंट, देन उसके नीचे आपको ये मशीन की डिस्क्रिप्शन। देखिए, अब ये चेक पॉइंट और ये डिस्क्रिप्शन हमें आज यही डिस्कस करना है। ओके, लेकिन मैं शुरुआत करूंगा सबसे पहले मशीन के इंफॉर्मेशन से। तो देखिए, सबसे बॉटम में आने के बाद मुझे यहाँ पे डेमो वीएम जो कि फिलहाल रनिंग कंडीशन में, उसका एक छोटा सा थंबनेल मिल रहा है। ये थंबनेल बता रहा है कि आपकी मशीन उस केस में अभी ऑन है। तो अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँ तो देखिए ये रहा उसका स्टेटस। अगर मैं यहाँ पे इसे लॉग इन करता हूँ तो लेट मी शो यू, मैंने अपने यहाँ पे पासवर्ड एंटर किया। ओके, अब ये लॉग इन हो चुकी है, इसे मैंने मिनिमाइज कर दिया। तो देखिए, जो कुछ भी रनिंग स्टेट में उस मशीन के साथ हो रहा है उसका थंबनेल आपको यहाँ पे नजर आएगा। ओके, तो आपको आइडेंटिफाई होगा मशीन पे क्या चल रहा है उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे। बाद में आपको यहाँ पे जानकारी दी जा रही है कि भाई इसका क्रिएटेड कब बनाई थी, उसका वर्जन, फिलहाल मेरे हाइपरवी का वर्जन है 5.0, उसका जनरेशन याद कीजिए, हमने जब मशीन डिप्लॉय की थी तो हमने जनरेशन भी स्पेसिफाई किया था, तो ये जनरेशन 1 पे काम कर रहा है। इसके ऊपर हमने कोई स्पेशल नोट नहीं रखी थी, नोट इन द सेंस आपने मशीन क्यों बनाई, किस लिए बनाई, क्या काम करेगी, तो इसलिए यहाँ पे नन बताया जा रहा है। ओके, देन यहाँ पे वो किसी तरह के क्लस्टर के अंदर नहीं है, इसका हार्ट बीट और इंटीग्रेटेड सर्विसेज अप टू डेट। अब ये क्लस्टर्ड होता क्या है, देखिए आगे चल के आप अगर मल्टीपल हाइपरवी होस्ट को एक साथ लेते हो तो आपको उसका क्लस्टर बनाना पड़ेगा ताकि एक जगह से दूसरी जगह पे मशीन माइग्रेट हो। तो अगर आपके पास कोई क्लस्टर है तो यहाँ पे उसका क्लस्टर का नाम आएगा, हमारे पास कोई क्लस्टर नहीं है इसलिए ये ब्लैंक है। देन आपका हार्ट बीट, अब ये हार्ट बीट होता क्या है, आपके इस फिजिकल होस्ट से मतलब कि MUM SRV 01 से कंटिन्यूसली एक सिग्नल जा रहा है उस वर्चुअल मशीन के पास कि भाई वो मशीन चल रही है नहीं, चल रही है नहीं, चल रही नहीं, उसी सिग्नल को हार्ट बीट कहते हैं। अगर इसकी ये हार्ट बीट फेल हो गई समझ जाना वर्चुअल मशीन क्रैश। सो मेक श्योर आपके मशीन की हार्ट बीट हमेशा ओके होनी चाहिए, क्लियर। देन इंटीग्रेटेड सर्विस, अब ये जो वर्चुअल मशीन हमने बनाई है ना, इस वर्चुअल मशीन को अच्छे से काम करने के लिए कुछ एडवांस टूल्स चाहिए, तो वो टूल्स आपने डाल के रखे हैं या नहीं उसकी जानकारी यहाँ पे आएगी।
फिलहाल ये अप टू डेट है, यहां तक क्लियर? सॉरी। देन अगर मैं इस नेक्स्ट टैब पे जाऊं, मेमोरी टैब, तो देखिए मेमोरी टैब में मुझे क्या बताया जा रहा है, आपने स्टार्टअप मेमोरी कितनी दी है 1024 MB, आपने उस मेमोरी को डायनेमिक पे रखा है या नहीं। याद कीजिए डायनेमिक मैंने क्या कहा था, अगर मशीन को ज्यादा रैम की जरूरत पड़ी तो होस्ट वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा, तो या इस पे डायनेमिक एनेबल है। देन मिनिमम मेमोरी 512 पे काम कर रहा है, मैक्स टू मैक्स देखिए ये 1048576 मेमोरी तक ले सकता है, मतलब उसे आप एक्सटेंड कर सकते हो। देन असाइन मेमोरी अभी वो कितनी ले चुका है, 52532, और मेमोरी इन डिमांड उसे और 430 MB की रैम चाहिए, के जरूरत पड़ने पर वो ले लेगा। देन मेमोरी स्टेटस सब कुछ ओके है। अगर हम नेटवर्किंग टैब पे क्लिक करें तो मुझे यहाँ पे पता जा रहा है कि उस पर्टिकुलर मशीन में कौन से लैंड पोर्ट कनेक्टेड है, हमारे केस में एक ही लैंड पोर्ट है, उसका मैक एड्रेस, तो देखिए मैक एड्रेस है। देन उस पर्टिकुलर नेटवर्क को हमने कौन से एक्सटर्नल स्विच के साथ कनेक्ट किया है, तो देखिए ये जो MUM SRV01 VM Net, ये मेरा एक एक्सटर्नल वी स्विच था, उसका नाम भी बताया जा रहा है, उसके ऊपर असाइन IP और उसका स्टेटस एंड फाइनली रिप्लिकेशन। अगर आपने क्लस्टर बनाया है और आपके मशीन को रिप्लिकेट करना है तभी आप इस ऑप्शन का यूज करोगे, हालांकि हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको सिर्फ ध्यान में क्या रखना है, वर्चुअल मशीन से रिलेटेड जो कुछ भी जानकारी चाहिए आपको यहाँ पे नीचे पे मिल जाएगी, ये समरी में आपके अपडेटेड सॉफ्टवेयर वर्जन, मेमोरी में मेमोरी असाइन कितनी की गई है, नेटवर्किंग में उसके ऊपर क्या IP है, मैक किस क्या है। ओके अब मैंने क्या करना है, इस वर्चुअल मशीन के ऊपर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपके सामने कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, अब हम इस ऑप्शन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले ये आपका अल कंट्रोल डेल वाला, अगर आपको मशीन को अनलॉक करना है स्पेसिफिकली सर्वर को, तो सर्वर को अनलॉक करने के लिए आपको अल कंट्रोल डिलीट ये की प्रेस करनी पड़ती है, उसके अलावा यहाँ पे आप टिक कर सकते हो, तो अल कंट्रोल डिलीट का ये शॉर्टकट सेंड करेगा। उसके बाद में आपको दिया जा रहा है स्टार्ट, अगर आपकी मशीन बंद है तो आप स्टार्ट पे क्लिक कीजिए तो मशीन स्टार्ट हो जाएगी। फिलहाल के लिए ये ग्रे आउट बताया जा रहा है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मेरी मशीन ऑन है, स्टार्ट है। देन नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो टर्न ऑफ का है, टर्न ऑफ ऑप्शन कुछ ऐसा है कि आप डायरेक्टली अपना मेन स्विच बंद कर रहे हो। ओके तो अगर आपको मेन स्विच बंद करना है या मशीन को इमीडिएटली बंद करना है तो आप टर्न ऑफ पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका शट डाउन, शट डाउन का मतलब होता है कि आप ग्रेसफुली मशीन को बंद कर रहे हो। अब शट डाउन में होता क्या है, उस मशीन के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल्स होती है वो एक एक करके बंद करेगा और पीसफुली ग्रेसफुली कंप्यूटर को शट डाउन करेगा। देखा जाए तो शट डाउन होने में टाइम लगता है जबकि टर्न ऑफ होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ज्यादातर आप उसे शट डाउन ही कीजिए क्योंकि आपने डायरेक्टली टर्न ऑफ कर दिया तो हो सकता है कि वो मशीन आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करे। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करना है इट डिपेंड्स ऑन यू। देन कम्स योर सेव ऑप्शन, अब मान लो आप इस मशीन के साथ काम कर रहे हो, इस वर्च मशीन के साथ, और आपको कुछ पीरियड के लिए उसको सेव करके रखना है, मतलब आप उसे नेक्स्ट डे या किसी और दिन पे करना चाहते हो, उसे आपको बंद भी नहीं करना है, तो आप क्या करोगे सेव पे क्लिक कर दोगे, जैसे कि मैं अभी करने वाला हूँ। तो मैंने सेव पे क्लिक किया तो देखिए क्या हो गया, नीचे आपको यहाँ पे एक स्ट्रिप नजर हो जा रही है, फिलहाल इस मशीन का स्टेटस सेव किया जा रहा है। ओके और ये पूरी स्क्रीन थोड़ी सी ब्रैकेट होगी। ओके अब मान लो मैं नेक्स्ट दिन आ गया, मुझे पता चला हाँ इस मशीन का स्टेटस मैंने सेव किया था, स्टेटस सेव बता रहा है, नीचे उसका थंबनेल बता रहा है कि मैंने कौन से स्टेट पे सेव की थी। अब मुझे उसे रिज्यूम करना है, ऑन करना है, तो मैंने उसके ऊपर डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद मुझे कनेक्ट पे जाना है, तो देखिए पावर ऑन का ऑप्शन नजर आ रहा है, स्टार्ट वाला बटन मैंने यहाँ पे टिक किया, तो जहां पे मैंने मशीन को सेव किया था उसी जगह से मेरी मशीन रिस्टोर हो गई। सो देखो रिस्टोरिंग सक्सेसफुल, ओके विद इन द पीरियड मुझे अपना स्क्रीन मिल जाएगी, फिलहाल ये कनेक्टिंग हो रहा है। आ गया, तो एक बेटर ऑप्शन है कि आप अब जब चाहे उस मशीन को सेव करके रख सकते हो। और आखिरी वाला ऑप्शन है पॉज,
जिस तरह से आप पिक्चर अगर देखते हो वीसीआर या डीवीडी पे, आपको अगर पिक्चर को पॉज करना है तो आप रिमोट से उसे बंद कर दोगे, आप अपना काम करके आ गए और फिर से आपने उसे क्या कर दिया, प्ले कर दिया। ये कुछ उसी तरह से इसमें केस में क्या होती है, आपकी वो वर्चुअल मशीन थोड़ी देर के लिए सस्पेंड हो जाएगी, मतलब कि पॉज हो जाएगी, आप घूम के आओगे, अपना काम कर लोगे और आपको सिर्फ क्या करना है, उस मशीन को राइट क्लिक करके रिज्यूम करना है। तो देखिए इसका स्टेटस फिर से रनिंग आ गया, कनेक्ट करने के बाद राइट क्लिक कनेक्ट हो गया, तो ये पॉज और ये रिज्यूम, समझ आ गया। अब ये नेक्स्ट ऑप्शन है चेक पॉइंट, अब हमें इसी चेक पॉइंट के बारे में डिस्कस करना है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन योर होल हाइपरवी सिनारियो। अब इस चेक पॉइंट को समझाने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ। फर्स्ट करो यार कि आपने कुछ दिनों पहले या कुछ साल पहले कुछ ऐसी चीजें की है जिसका आपको अभी रिग्रेट फील हो रहा है, कि आप सोचते हो कि यार अगर वो मैंने नहीं किया होता तो अच्छा होता। हालांकि हम अपने जिंदगी के अंदर पीछे नहीं जा सकते, मतलब हिस्ट्री में नहीं जा सकते उसे चेंज करने के लिए, लेकिन इन अ वर्चुअलाइजेशन इन्वायरमेंट आप जब चाहे तब उस दिन का स्टेटस, उस दिन का सिनेरियो ला सकते हो। अब वो कैसे, तो इसे समझाने के लिए मुझे सबसे पहले कुछ चेंजेस करना जरूरी है, तो मैं क्या करूंगा ये जो मेरी मशीन है ना, इस मशीन का स्टेटस देख लीजिए। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिसाइकल बिन का आइकॉन है, यहाँ पे मुझे मशीन का नाम नजर आ रहा है और ज्यादा कुछ चेंजेस मैंने नहीं किए। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसे मैंने मिनिमाइज किया, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे चेक पॉइंट वाला ऑप्शन नजर आ रहा है, यहाँ पे टिक करो, या फिर आप क्या कर सकते हो, ये जो ऑप्शन है ना चेक पॉइंट, यहाँ पे भी टिक कर सकते हो। तो मैंने चेक पॉइंट पे टिक किया तो मुझे यहाँ पे बता रहा है कि आपके मशीन का चेक पॉइंट नेम क्या होना चाहिए, तो इसका मैं नाम दूंगा फर्स्ट डे, वॉट एवर जो आपको देना है आप दे सकते हो। बाद में आपको इसे डिफॉल्ट रखना है तो डिफॉल्ट रख सकते हो, फिलहाल मैं इसे डिफॉल्ट पे नहीं रखना चाहता, मैंने यस पे क्लिक कर दिया। अब मेरा चेक पॉइंट बन गया है, इसे देखने के लिए मुझे इसे मिनिमाइज करना पड़ेगा। नाउ यू कैन सी चेक पॉइंट के पैनल में मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है फर्स्ट डे, और फिलहाल मेरी मशीन इस जगह पे काम कर रही है। ओके अब मैंने चेक पॉइंट कब लिया उसके बारे में जानकारी आपको नीचे तरफ आ गई, तो ये चेक पॉइंट किया गया था आपके 7/15/2017, टाइम है 2 बज के, कंप्लीट वर्जन 1 था और जनरेशन 1 पे ही किया है। बाद में उसकी मेमोरी स्टेटस अदर इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब मान लो मैंने इस मशीन के अंदर कुछ चेंजेस किए, जैसे कि अभी मैं करने वाला हूँ, चेंजेस इन द सेंस मैं इसका वॉलपेपर चेंज करूँगा, सॉरी यहाँ पे वॉलपेपर चेंज करने का ऑप्शन ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे इस फोल्डर को थोड़ा डेस्कटॉप पे लेके आएंगे, या फिर इन टू द टास्क बार, देन पिन, और यहाँ पे ओपन डेस्कटॉप पे मैं कुछ कंटेंट रख दूंगा, इन शॉर्ट मैं यहाँ पे प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे इस मशीन के साथ चेंजेस हो गए। अब वो चेंजेस कुछ भी हो सकते हैं, हाँ? अब मुझे पता चला कि यार ये जो मैंने किया था ये गलती होगी मुझसे, मुझे ये सब नहीं करना था और मैं अपने मशीन को पहले जैसा चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे मिनिमाइज करना पड़ेगा। ओके तो मैंने इसे मिनिमाइज किया, मिनिमाइज करने के बाद ये आपको चेक पॉइंट नजर आ रहा है, बस इसके ऊपर जाइए राइट क्लिक करके अप्लाई कर दो। अभी आपको पूछ रहा है कि आपको अप्लाई करने कैसे करना है, अभी के स्टेटस का आपको चेक पॉइंट लेना है या पुराना वाला ही अप्लाई करवाना है। अगर आपको करंट स्टेटस का चेक पॉइंट लेना है तो आप इस ऑप्शन पे टिक करोगे, क्रिएट अ चेक पॉइंट एंड अप्लाई। हमारे केस में मुझे सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करवाना है, तो टिक। तो मेरा चेक पॉइंट देखो फिलहाल ये सेव हो रहा है, इसका ये सेविंग स्टेटस, थोड़ी देर में ये सक्सेसफुल हो गया और अप्लाई और रिस्टोर, तो ये स्टेटस में आपको जानकारी बताई जाएगी। 100% कंप्लीट हो चुका है,
अब मैं इस मशीन को फिर से कनेक्ट करूंगा। नाउ यू विल सी, जो भी मैंने चेंजेस किए थे एनीथिंग, वो सब के सब चले जाएंगे। देखा, सब चेंजेस चले गए। कहाँ पे गया मेरा वो फोल्डर? सो ये बेनिफिट है टू यूज अ चेक पॉइंट। अगर आपको चेक पॉइंट को रिवर्ट करना है तो रिवर्ट करने के लिए यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया है। जो हमने इसे राइट क्लिक करके किया था ना, या इसे अप्लाई किया था ना, सेम ऑप्शन आप मशीन को ऑन करने के बाद भी कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर? अब आप अपने चेक पॉइंट चाहे उतने ले सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे क्विकली कुछ चेक पॉइंट लेने वाला हूँ। जैसे कि मुझे फिर से चेक पॉइंट लेना है, राइट क्लिक करके मैं इसे कहूँगा चेक पॉइंट। इस चेक पॉइंट को मैंने अप्लाई करवा दिया। फिलहाल ये रनिंग क्रिएटिंग का चेक पॉइंट, देखिए चेक पॉइंट आ गया। इसका नाम और टाइम बताया जा रहा है, इससे हम नंबर 2 देंगे सेकंड। ओके, मुझे फिर से एक चेक पॉइंट चाहिए। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप मल्टीपल चेक पॉइंट ले सकते हो। ओके, हर एक चेक पॉइंट में अलग अलग सिचुएशन रहने वाली है। ओके, तो फिलहाल ये चेक पॉइंट 100% हो गया है और ये आ गया। इसे हम नाम देंगे थर्ड। अब ये जो ट्री नजर आ रही ना, ये आपके चेक पॉइंट की ट्रीज है कि भाई आपने चेक पॉइंट कैसे कैसे लिए थे। ओके, अब मान लो मैंने ये कर दिया, मेरा थर्ड ऑप्शन के पास फिलहाल चेक पॉइंट है। मुझे अपने सेकंड चेक पॉइंट को अप्लाई कराना है, इसके ऊपर गया। ये मान लो फर्स्ट को अप्लाई कराना है, फर्स्ट पे गए, राइट क्लिक करके अप्लाई कर दिया, जस्ट अप्लाई। आपको ऑब्जर्व करना है ये जो प्ले का सिंबल है ना, वो कहाँ पे जाएगा। तो लेट्स चेक। फिलहाल ये सेविंग हो चुका है, सक्सेसफुली अप्लाई। अब देखो ये प्ले का सिंबल कहाँ पे आ रहा है, मेरे फर्स्ट चेक पॉइंट के नीचे एक डॉटेड डॉटेड लाइन नजर आ रही है और यहाँ पे वो सिंबल है। तो ये आपको इंडिकेट करता है कि आपने कौन से चेक पॉइंट को अप्लाई करवाया है। अगर आपको ये समझ में दिक्कत हो रही है तो आप इस एक्शन पैनल को भी देख सकते हो। यू कैन सी यू हैव अप्लाई द फर्स्ट चेक पॉइंट, जो कि फर्स्ट डे का था। अगर आपको चेक पॉइंट को डिलीट करना है तो वो भी कर सकते हो। राइट क्लिक कीजिए, डिलीट चेक पॉइंट। अब डिलीट चेक पॉइंट से क्या होगा, सिर्फ वही वही चेक पॉइंट डिलीट होगा। डिलीट गया। अब मान लो आपको पूरे की पूरी ट्री को डिलीट करना है, जैसे कि ये मेरा फर्स्ट डे जो है ना, इसके नीचे और भी चेक पॉइंट थे, मुझे पूरा चेक पॉइंट ट्री डिलीट करना है, तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करके डिलीट चेक पॉइंट सब ट्रीज। तो जितने भी सब चेक पॉइंट आपने लिए थे वो सब चले जाएंगे, कुछ भी नहीं रहा। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। आज हमने चेक पॉइंट देखा, वर्चुअल मशीन के साथ काम करना देखा, और इस पैनल के बारे में हमने डिस्कस किया। हम इस सिनेरियो को और इस प्रैक्टिकल को आगे कंटिन्यू करने वाले। तब तक के लिए मैं हूँ आपका फैकल्टी गणेश सोनने। आने वाले वीडियोस के लिए हम जरूर मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। स्टिल देन, बाय।